महिला आरक्षण बिल यानी आधी आबादी को पूरा हक। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सार्थक भागीदारी और सांझी जिम्मेदारी का महत्व समझती है। महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए कांग्रेस शुरुआत से काम करती रही है। महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी के सराहनीय प्रयासों पर आइए नजर डालते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सन 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया। ये बिल लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पास ना हो सका। सन 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल को फिर से पेश किया। दोनों बिल पारित हुए और कानून बन गए। नतीजा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता की बदौलत आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। आधी आबादी के इस बेहतरीन भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण को बल देने का काम किया। महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी संविधान संशोधन बिल लेकर आए। ये बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ लेकिन लोकसभा में ना जा सका। राज्यसभा में पारित हुए बिल समाप्त नहीं होते, इसलिए महिला आरक्षण बिल अभी भी एक्टिव है। पिछले 9 साल से महिला आरक्षण का ये बिल लोकसभा में पास होने की राह देख रहा है लेकिन महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित मोदी सरकार ने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद इसे अनदेखा कर ठंडे बस्ते में रखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करती रही। कई बार इस बिल को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिखा लेकिन मोदी सरकार ने इस पर अमल करना उचित नहीं समझा। इस विषय पर श्री राहुल गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा लेकिन सरकार ने गौर करना उचित नहीं समझा। अब महिला आरक्षण बिल एक बार फिर से चर्चा में है। हमारी मांग है कि मोदी सरकार देश की आधी आबादी को उसका पूरा हक दे ताकि महिलाओं को राजनीति में उनका वाजिब हक और हिस्सेदारी मिल सके।